बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर बोनी कपूर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। बोनी के प्रोडक्शन हाउस के तले बोनी मैदान में हाल ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। मैदान में अजय देवगन लीड रोल में नजर आए हैं। बोनी कपूर फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। प्रमोशन के दौरान वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बोनी कपूर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया है। उन्होंने बताया कि उनका परिवार राज कपूर के सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। साथ ही बताया कि कैसे उन्होंने अनिल कपूर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने का फैसला लिया था। बोनी कपूर इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी उनका परिवार शुरुआती समय में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। बोनी कपूर ने बताया कि कैसे वर्कर्स के राइट्स के लिए लड़ने की वजह से उनके पिता सुरेंद्र कपूर को 10 नौकरियों से निकाल दिया गया था, जिसके बाद पृथ्वीराज कपूर उनके परिवार को मुंबई लेकर आए थे। बोनी कपूर ने आगे कहा, जब मेरी दादी का निधन हो गया था तो अनिल और मैंने फैसला किया कि वह एक्टिंग करेंगे और मैं प्रोडक्शन संभालूंगा।